हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक स्टोर करने के बारे में। देखिए, जहाँ पे रूरल एरिया में जहाँ पे रेफ्रिजरेटर नहीं है, वहाँ पे काफ़ी दिक्कत जाती है जो ड्राई सिरप फॉर्म में एंटीबायोटिक्स आते हैं उसको स्टोर करने में। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे दो चार अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स के बॉटल्स बता रहा हूँ। ये ड्राई सिरप फॉर्म में है, मतलब इसका पाउडर फॉर्म अलग आता है और इसके साथ स्टराइल वाटर का एक पैक आता है। वो पानी आपको उसमें पूरा डाल के इसको रिकन्स्टिट्यूट करना है। अगर स्टराइल वाटर कुछ कारणवश आपके साथ बॉटल के साथ नहीं आया है या गिर गया है, तो आप इसमें उबाल के ठंडा किया हुआ जो पानी रहता है, स्टरलाइज पानी घर पे अपन उबाल के ठंडा किया हो, इसमें डाल सकते हैं। इसमें एक रिंग रहती है हॉरिजेंटल उस मार्क तक, और उसको अच्छे से शेक करना है। हर बार आपको एंटीबायोटिक की दवाई देने के पहले बॉटल को अच्छे से शेक कर लेना है। इसको आपको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद, जैसे आप बॉटल पर देख सकते हो, आप इसको 7 दिन तक यूज़ कर सकते हो। इसकी शेल्फ लाइफ बनी रहती है। और अगर फ्रिज में नहीं रखते हो आप, और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे समर सीज़न में रहता है हमारे इंडिया में, तो ऐसे समय पे इसका डिग्रेडेशन थोड़ा फास्ट होता है और इसमें कंपोजिशन में थोड़ा सा चेंजेस आने लगता है। एंटीबायोटिक का कलर, दवाई का कलर भी थोड़ा सा ब्लैक या काला होने लगता है। इसकी एफिकेसी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो बाहर अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे रखते हो 25 डिग्री या 30 डिग्री के अंदर, तो आप इसको हार्डली 3 दिन तक यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर फ्रिज में रखते हो तो 5 से 7 दिन ही चलेगा। फ्रिज नहीं है तो आप इसको मटके के नीचे या बॉटल जो है, इसको आधी बॉटल आप पानी में डुबो के रख सकते हैं। ऊपर का जो पोर्शन है पानी के ऊपर रखिएगा, ताकि दवाई में पानी ना जाए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं आप इसको कर सकते हो। जो लिक्विड फॉर्म में आता है, जैसे जैतरीन सिरप मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप 30 डिग्री पे भी रख सकते हो। लेकिन जो ड्राई सिरप है उसको आपको रेफ्रिजरेटर में ही रखना है या फिर मटके के नीचे रखना है। थैंक्स अ लॉट।